जी, तो सबको अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर मैपिंग के कुछ एलिमेंट स्टडी किए थे, जिसमें एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, उसके बाद स्विंग हाई, जिसमें वीक स्विंग हाई और स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई, और उसमें दो तरह की हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर स्टडी किए थे लास्ट लेक्चर में। एक था स्विंग बेस और उसके बाद एक स्वीप बेस। जो स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर था, उसमें सम हो किसी को कन्फ्यूजन भी थी या एंटिटी समझ नहीं आई कि कैसे वो उसको फाइंड करते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो आज हम स्विंग बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि जो स्विंग बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, ये कब और कहाँ होता है। सपोज करें ये एक प्राइस प्राइस रेंज है। ठीक है, प्राइस रेंज का क्या मतलब है कि प्राइस किसी एंगल से आई और इसमें रेंज कर रही है, किसी भी साइड से आई, वी डजंट नो कि मार्केट कहाँ से आ रही है। ठीक है, मार्केट इसमें रेंज कर रही है। फॉर द टाइमिंग इसको मैं जरा और विद इन बॉक्स करता हूँ कि वी हैव नो आइडिया कि मार्केट कहाँ से आ रही है, लेकिन हमें ये पता है कि मार्केट ने रेंज करना शुरू कर दिया है। जब मार्केट इस तरह किसी रेंज के अंदर मूव करती है, तो मार्केट क्या करती है? मार्केट वहां लिक्विडिटी बिल्ड करती है। ठीक है, इसी तरह मार्केट इसकी लोअर साइड पे लिक्विडिटी बिल्ड करेगी। ठीक है, ये आपने एक शेप आपको याद आ रही होगी, कहीं आपने स्टडी की है। जी सर, अच्छा, बेसिकली यहाँ लिक्विडिटी क्यों बिल्ड हो रही है? इसमें यहाँ लिक्विड इसलिए बिल्ड हो रही है कि जब मार्केट ने नीचे आई, यहाँ से रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेने के बाद जब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर ऊपर की, फिर जहां से रिजेक्शन ली, फिर नीचे आ गई। अब जब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर यहाँ से रिजेक्शन ली, तो यहाँ क्या बन गया? एक रिटेल, यहाँ रिटेल सपोर्ट बन गई इस पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ रिटेल रेजिस्टेंस बन गई। यानी अगर इसको मैं यहाँ टाइप कर दूं, रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जो मार्केट में प्राइस को रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि ऊपर नहीं जाने दे रहा। तो ये रिटेल रेजिस्टेंस है और ये क्या है? रिटेल सपोर्ट। तो बेसिकली जब ये रेजिस्टेंस बनती है, तो मार्केट जब नीचे आती है, तो अगेन लोग यहाँ से बाय करते हैं। मार्केट ऊपर जाती है, तो लोग प्रीवियस रिजेक्शन पॉइंट देख के, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं या रिटेल रेजिस्टेंस कहते हैं, उसको देख के अगेन सेल करते हैं और अगेन लोग बाय करते हैं। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इनको हम कहते हैं लिक्विडिटी बिल्ड पॉइंट्स। ठीक है, यानी इन पॉइंट्स पे लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। क्यों? क्योंकि ये हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, ये वाले। अब जब इन पे लिक्विडिटी कैसे बिल्ड होती है, हम लिक्विडिटी किसको कहते हैं? अब आप लोग बता दें, लिक्विडिटी हम कहते हैं जहां लोग एक्सटर्नल सेल वैल्यू या बाय पॉइंट। करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ अगर किसी ने सेल किया, उसने अपना ये स्टॉप लॉस लगाया और अपना टेक प्रॉफिट प्रीवियस लो को टारगेट कर लिया, सपोज कर लें। उसके बाद किसी ने यहाँ बाय किया, उसने अपना एसएल इधर लगाया और ये अपना टेक प्रॉफिट कर लिया। उसके बाद किसी ने यहाँ अगेन सेल किया, जब मार्केट ऊपर गई, ये एसएल लगाया और नीचे लो को टीपी कर लिया। फिर किसी ने लास्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पे आई, उसने यहाँ से बाय किया और प्रीवियस हाई को टीपी बना लिया। यानी यहाँ जो सेल बाय हो रही है, यहाँ जो लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ से जो बाय कर रहे हैं, यहाँ से अगेन जो सेल कर रहे हैं, यहाँ से जो अगेन बाय कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? सारी लिक्विडिटी। अब देखें, इस सारे को लिक्विडिटी क्यों कहते हैं? इसमें अगर आप एक पॉइंट नोट करें, तो ये जो उनके सेल प्राइस है, ये जो बाय प्राइस है, अगेन जो सेल प्राइस है और ये जो बाय प्राइस है, ये भी एक लिक्विडिटी है। उसके बाद उनका ये जो स्टॉप लॉस लेवल है, ये भी लिक्विडिटी है। उनके बाद ये जो उनका टेक प्रॉफिट लेवल है, ये भी एक लिक्विडिटी है। यानी मार्केट में आपकी जो भी एंट्री प्राइस, आपका स्टॉप लॉस, आपके पेंडिंग ऑर्डर्स और आपके जो भी एग्जीक्यूटिंग एंट्री होती है, वो सारी लिक्विडिटी है।
अच्छा, ये तो वो लोग हैं जो इसको स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ के सेल और बाय करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी होते हैं जो कहते हैं कि ये अगर रेजिस्टेंस है तो मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, इतना ऊपर आ जाती है, तो उसके बाद मैं अपना बाय स्टॉप लगा के यहाँ टीपी लूंगा, यानी जिनको हम क्या कहते हैं ब्रेकआउट अच्छा ट्रेडर्स। इसी तरह कुछ सेल साइड के ट्रेडर्स होते हैं, कहते हैं कि अगर मार्केट निचली साइड पे ब्रेक करेगी तो हम क्या करेंगे, नीचे को ब्रेक करेगी तो क्या करेंगे, हम यहाँ से सेल स्टॉप लगाएंगे इस लेवल से और ये हमारा टीपी लेवल होगा, तो इनको हम क्या कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर्स। लेकिन ये जो मार्केट की रेंज के अंदर ट्रेड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं रिटेल S&R ट्रेडर्स, यह मैं लिख देता हूँ रिटेल S&R, जिसको SNR भी कहते हैं। ठीक है, अब इनको SNR क्यों कहते हैं, बिकॉज S स्टैंड फॉर स्पोर्ट एंड R फॉर रेजिस्टेंस, यानी वो लोग जो प्रीवियस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख के सेल बाय करते हैं उन्हें कहते हैं रिटेल स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडर SNR ट्रेडर्स। और दूसरे ट्रेडर्स जो क्या करते हैं, जो मार्केट के ब्रेकआउट का वेट करते हैं, उन्हें हम सिंपली कहते हैं रिटेल। तो इसका क्या मतलब है, इन पॉइंट्स का ये मतलब है कि यहाँ जो आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो रही है वो भी आपका लिक्विडिटी है, और जो पेंडिंग ऑर्डर है जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जिसकी एंट्री प्राइस यहाँ कहीं पे है, सेल स्टॉप का सबको आइडिया है ना, जी सर, बाकी सबको आइडिया है, अगर नहीं तो हैंड रेज करें। जी, सर आइडिया है सर। ठीक चलें, अगर नहीं भी है तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ सेल लिमिट और सेल स्टॉप में क्या डिफरेंस होता है। देखें, अगर आपकी मार्केट प्राइस, सपोज करें मार्केट प्राइस आपकी किसी इस लेवल पे है, ठीक है, तो सेल लिमिट कहाँ होती है, अगर आपने करंट मार्केट प्राइस है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ CPM, CMP, यानी करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, ये आपकी करंट मार्केट प्राइस जा रही है सपोज कर लें। अगर आप करंट मार्केट प्राइस के ऊपर सेल करना चाहेंगे किसी ऊपर वाले लेवल से, ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे सेल लिमिट, यानी तो मार्केट जब ऊपर क्या जाए इसको हिट करे तो फिर ये एंट्री एक्टिव हो, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं सेल लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, ये सेल लिमिट है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मार्केट अभी इस पॉइंट पे करंट मार्केट प्राइस पे, और उसके बाद जैसे ही मार्केट अपना नीचे वाला लेवल कोई भी ब्रेक करे, फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, और उसके बाद उसकी ट्रेड अगर एक्टिव हो जाए, ठीक है, अगर वो कहता है कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद मेरी ट्रेड एक्टिव हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेल सेल स्टॉप, स्टॉप। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया सबको, यानी जी करंट सर, मार्केट प्राइस से नीचे सेल करना तो सेल स्टॉप्स, ऊपर सेल करना तो सेल लिमिट। इसलिए ये जो मार्केट रेंज करती है, जब रेंज करती है तो इस पॉइंट पे क्या होता है सारा सेल लिमिट्स, ठीक जी सर, है, सेल लिमिट होगी, कुछ लोगों ने यहाँ सेल किया होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ सारे क्या होंगे, ये वाले जो पॉइंट्स है, ये वाला सेल सेल स्टॉप, सेल स्टॉप, यहाँ सारे क्या होंगे स्टॉप, सेल बाय स्टॉप, लिमिट। सेल स्टॉप होंगे। और अगर हम दूसरी बात करें, जिसने यहाँ बाय किया है इस पॉइंट पे, ठीक है, ये उनके बाय बाय लिमिट, लिमिट्स होंगी, और यहाँ क्या होगा इनका, बाय स्टॉप हो बाय सकता। स्टॉप। इसलिए जो आपके चाहे रनिंग ऑर्डर्स हैं चाहे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, वो सारी की सारी मार्केट के लिए एक लिक्विडिटी होती है, ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया आपको। जी इसीलिए सर, जब मार्केट रेंज करती है किसी भी खास पॉइंट पे, जैसे रेंज करना शुरू होगी, रेंज करने के बाद हम देखेंगे मार्केट किस साइड की लिक्विडिटी पहले लेती है, सपोज कर लें उसने सेल साइड की लिक्विडिटी पहले ले ली, ठीक है, मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी पहले ली, अब अगर इस लिक्विडिटी को लेने के बाद एक कैंडल या दो कैंडल जितनी भी कैंडल बनी है उसके बाद अगर मार्केट दोबारा अंदर आती है, ठीक है, सपोज करें स्ट्रक्चर के अंदर आ गई, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर आ गई, और उसके बाद वो अगर स्ट्रक्चर में अंदर आने के बाद दोबारा रीटेस्ट पे ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है, यानी यहाँ मार्केट ने क्या किया, सिर्फ लिक्विडिटी को स्वीप किया है,
अगर इसको मैं थोड़ा सा नैरो कर दूं कुछ इस तरह से, और यहां मैं एक विक बना देता हूं, ये वाली, ठीक है, ये यानी मार्केट की कैंडल बॉडी थोड़ी सी बाहर निकली है, उसने एक विक बनाई है, लेकिन उसके बाद एक अग्रेसिव मूवमेंट लेके अंदर आ गई है, ठीक है, या यहाँ स्वीप की है, या सिर्फ एक कैंडल की बॉडी बाहर क्लोज हुई है, और उसके बाद मार्केट ओपोजिट साइड पे एक्सपेंड कर गई है, ठीक है, इस साइड पे। तो इसको हम क्या कहेंगे कि मार्केट ने लो साइड की, राइट सेल साइड की लिक्विडिटी ली है और ऊपर मूव कर गई है। तो अगर मार्केट ने यहां मैनिपुलेट करके ऊपर मूव किया है, तो हम मार्केट की मूवमेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेल की या बाय की? सर, हम बाय यानी कि सर की, हम बाय ऑर्डर की, क्या सॉरी। लगाएंगे सर? मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर के ऐसे हंड करेगी, नीचे आ जाएगी सर? चलो, ये भी हम जब लाइव चार्ट पे देखेंगे ना, तो सिर्फ आज मैं एक ही सीक्रेट सीक्रेट नहीं रखूंगा, सिर्फ आप लोगों को रिसर्च के लिए छोड़ूंगा कि आप लोगों ने फाइंड करना है कि कब मार्केट क्या करती है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इसको मैं भी लीड करता हूँ, रिटेल ब्रेकआउट ट्रेडर्स। तो जब भी रिटेल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है, मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करती है और दूसरी साइड पे मूव कर जाती है, ठीक है। अब जिस साइड की मार्केट लिक्विडिटी मैनिपुलेट करती है, इट्स मीन इस साइड पे क्या थे, हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। अच्छा, मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन, ये हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, और अगर इस साइड पे लोअर नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, तो मार्केट क्या करेगी? इस साइड पे लोअर नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, इस साइड पे हाई, तो मार्केट इस साइड को मैनिपुलेट करके ऊपर निकल जाएगी। व्हाई मार्केट विल ट्राई टू मैनिपुलेट दिस हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इस साइड को क्यों नहीं करेगी, इसकी क्या रीजन है? सही, ऑर्डर कम लगे हुए हैं अच्छा, सर, जिधर ऑर्डर कम, डिमांड ज्यादा होगी। मार्केट को सर चलने के लिए, ड्राइविंग फोर्स के लिए लिक्विडिटी चाहिए, तो जिधर सर वो ज्यादा ऑर्डर होंगे उनके सर वो ऑर्डर लेगी और ऊपर चली जाएगी सर। चले, बाकी कोई और इनपुट दे। नीचे एक्चुअली काफी बार टैप इन हुआ है, तो काफी सारे ऑर्डर्स हैं, तो काफी सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हो गए, स्टॉप लॉसेस, सेल लिमिट, चले मुझे आप बताइए, चले वाले ऑर्डर्स। जिनका ये क्वेश्चन, जिन्होंने ये कहा कि नीचे मैक्सिमम मार्केट ने ज्यादा बार टैप किया है, तो क्या आपको कैंडलस्टिक देख के आइडिया होता है कि मार्केट ने यहाँ ज्यादा ऑर्डर लगाए हैं या यहाँ ज्यादा ऑर्डर लगाए हैं? कैसे नहीं सर, नहीं आइडिया था। हो, नो कैसे आइडिया होगा? फिर ये क्वेश्चन आपने सर्च करना है, इसका आंसर ढूंढना है आप लोगों ने। नहीं समझ आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, अच्छा, रिपीट कर क्वेश्चन दें क्वेश्चन। बेसिकली ये है कि ये मैं भी हायर नंबर ऑफ ऑर्डर और लोअर नंबर ऑफ ऑर्डर दोनों साइड पे लिखा है। मार्केट एक साइड को मैनिपुलेट करती है जिस साइड पे हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स हों, बाद में दूसरी साइड पे मूव कर जाती है। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट की ये वाली मूव रियल है या ये वाली रियल है? मतलब मार्केट नीचे बाहर आ गई, तो हमें क्या पता ये वाला वैलिड ब्रेकआउट है या जो ऊपर है वो वैलिड ब्रेकआउट है? जाहिर बात है मार्केट को हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए। क्यों? बिग बैंक्स ने 100-200 डॉलर के ऑर्डर नहीं लगाने, उन्होंने 10-20 मिलियंस के ऑर्डर लगाने हैं, इसलिए उनको जहां ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी, जहां ज्यादा सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट मिलेगी, मार्केट उनकी लिक्विडिटी लेगी, उनके ऑर्डर्स फिल करेगी, उसके बाद ओपोजिट साइड पे मूव कर जाएगी। क्यों? अगर मार्केट ने इसी साइड पे दोबारा मूव करना हुआ, यानी मार्केट यहाँ से अगर इस साइड पे आ गई, तो ये तो जिन्होंने इनके ऑर्डर बाय किए हैं वो सारे नुकसान में चले जाएंगे। जी सर, क्यों चले जाएंगे नुकसान में? क्योंकि ये भी तो सेल कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ सेल स्टॉप लगाए हैं, तो वो भी सेल कर रहे हैं, जी वो उनसे सेल के ऑर्डर हाई प्राइस पे लेके प्राइस को नीचे तो नहीं लेके जाएंगे, ठीक जी सर, है। इसलिए ऐसा इसीलिए आपने इसका आंसर फाइंड करना है कि कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने अगर इस साइड की लिक्विडिटी ली है तो बाद में ऊपर जा रही है तो वैलिड मूव है। ये एक चीज तो मैं आज आपको बता दूंगा, एक आपके लिए पेंडिंग रहेगी, ठीक है, वो आप लोगों ने खुद आंसर सर सर सर, एक आंसर मुझे ऐसा मिल माइक रहा थोड़ा सा था। दूर कर लिया करें, हाफिज, आप या हैंड फ्री यूज करते हैं या कोई आपने हेडफोन ऐसा लगाया, थोड़ा सा दूर कर लें फेस। जी सर, हाँ जी बताएं। सर एग्जैक्टली, इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर बने तो फिर भी पता चल सकता सर हमें? चेंज ऑफ कैरेक्टर, अब ये हमने बेसिक एक स्टडी की है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या लो होता है, स्वीप बेस, लो जिसको लोअर स्वीप टाइम बेस कहते फ्रेम हैं, सॉरी,
लोअर टाइम फ्रेम में सर, जिस टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो उस टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। अगर हमें वो एक चेंज ऑफ करेक्टर अपनी पूरी करता है, वो इंड्यूसमेंट वगैरह लेता है, तो सर वो फिर हम उस तरफ कर जा सकते हैं। ये अच्छा हाफिज शाह, ये जो आप अभी बता रहे हैं ना सर, ये आपने सर्च करना और देखना कैसा होता है कि नहीं होता, जी ठीक हो गया सर, ठीक है ना। तो हमारा बेसिक जो ठीक आज है का टॉपिक है वो क्या है, स्वीप बेस्ड जॉब। अब हम इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, उसकी हमने लॉजिक अभी स्टडी की है स्वीप बेस्ड जॉब की। वो क्या है कि मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी बिल्ड करती है, एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप या मैनिपुलेट करती है, फिर दूसरी साइड पे मूव कर जाती है। अब यहाँ एक पॉइंट है कि जो स्वीप बेस्ड जॉब होता है, क्या ये कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल होता है या नहीं, कौन बताएगा? कल हमने स्टडी किया है सर। ये तो एक इंडिकेशन होता है। इंडिकेशन तो होता है, लेकिन क्या स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर एक कंप्लीट रिवर्सल होता है या नहीं? सर कल नहीं आपने सर। लिखा था कि मे और मे नॉट। मे नॉट, चलो ये अच्छा ठीक है, कंप्लीट रिवर्सल और नॉट, व्हेन कंप्लीट रिवर्सल, व्हेन नॉट कंप्लीट रिवर्सल, ये आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। ये मैंने क्वेश्चन इधर लिख दिए हैं, जब लेक्चर आपको मिलेगी वीडियो तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको छोटी सी बता जी देता हूँ, इन तीनों क्वेश्चन के आपने आंसर ढूंढने हैं, क्या कंप्लीट होता है या नहीं, कब कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। ये जब नेक्स्ट टाइम हम क्लास लेंगे तो मैं आपका छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा वाइवा या छोटी सी एक असाइनमेंट चेक करूंगा। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो ये है कि जो स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर होता है, जो स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ये वैलिडेट डीपर पुल बैक। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, वैलिडेट डीपर पुल बैक, इसका क्या मतलब है, ये अब हम देखते हैं लाइव चार्ट पे। उस पर पहले मैं थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को समझा देता हूँ। बेसिकली ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट आपकी यहाँ रेंज कर रही है इस पॉइंट में, ठीक है। मार्केट आ रही है आपकी, सपोज कर लें चले बाई साइड से आ रही है नीचे की तरफ, सेल की तरफ, बाद में उसने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने इस साइड की लिक्विडिटी स्वीप की, स्वीप करने के बाद मार्केट ने इस साइड पे क्लोजिंग दे दी। अब जब मार्केट इस साइड पे मैनिपुलेट करती है, यानी इस साइड पे क्या करती है, लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये आप लोगों ने होपफुली लेक्चर में स्टडी की है, नहीं तो ये आपको मैं वो लेक्चर भी दे दूंगा। लेकिन अभी हम सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप को समझना। लिक्विडिटी स्वीप आपको सिंपल पता है, कैंडल विक रेंज से बाहर जाती है, ठीक है। तो ठीक है सर। मार्केट जब रेंज करती है तो एक साइड पे सिर्फ विक लगाती है, बाद में ओपोजिट साइड पे क्या करती है, ओपोजिट साइड पे वो कैंडल बॉडी क्लोजिंग दे देती है यहाँ कहीं। जब मार्केट इस तरह करे, एक साइड पे विक लगाए और ओपोजिट साइड पे कैंडल बॉडी क्लोज दे दे, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट वॉन्ट टू पुश डाउन साइड। क्यों? मार्केट ने इस साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया और ओपोजिट साइड पे क्लोजिंग दी है, इसलिए जो स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर होता है ये मे और मे नॉट अ कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल हो भी सकता है, नहीं कब हो सकता है कब नहीं, आपने फाइंड करना है। लेकिन जहां कहीं भी मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप करे, ओपोजिट साइड पे क्लोज करे, तो हमने उस साइड की ट्रेड लेनी है जिस साइड पे मार्केट कैंडल बॉडी क्लोज करेगी। पॉइंट समझ आ गया आपको? जी सर, अब हम इसकी लाइव एग्जांपल देखते हैं, किसी लाइव चार्ट में सपोज कर लेते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पर चले जाते हैं तो देखते हैं मार्केट का क्या रुझान है। सपोज करें ये मैं आपके सामने एक ड्रॉ कर रहा हूं, ये मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप की है इस साइड की। जी सर अच्छा, जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है तो जो दो पॉइंट्स आपस में स्वीप करते हैं, हमने उन दोनों के दरमियान लोएस्ट पॉइंट को मार्क करना है, वो ये वाला है, ठीक है। अब अगर इसके नीचे कैंडल बॉडी क्लोज हो जाती है जो कि यहां जाके हुई है, तो इसका क्या मतलब है, मार्केट किस साइड पे मूव करना चाह रही है,
साइड पे। सेल साइड पे, जैसे ही मार्केट नीचे गई, पुल बैक लिया, हम सेल राइड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यही हुआ ना। ठीक जी सर। है, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ कि जो स्वीप इज चेंज ऑफ करेक्टर है, मे और मे नॉट, या ये वो डेफिनेट, ये वो पॉइंट है जिसमें ये, अगर हम इसको बहुत सान लफ्जों में कहें तो ये डीपर पुल बैक को कंफर्म करता है, कि मार्केट की, हमें बता देता है कि मार्केट किस साइड पे पुश करना चाह रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे, स्वीप इज जो, इसको मैं फॉर द टाइम बिंग स्वीप, स्वीप सीओसी स्वीप जो लिख। पॉइंट समझ आ गया आपको ये वाला? सर इसमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस कौन सा बनेगा? देखें, पॉइंट ऑफ रेफरेंस किस चीज के लिए? इंड्यूसमेंट वो ये नीचे की इंड्यूसमेंट जो मार्क की हुई है, तो मैंने कहीं भी मार्क नहीं की, स्वीप इज जॉर्ज चेंज जॉर्ज ऑफ का करेक्टर। मार्क। मैंने बताया कि दो जो पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स आपस में स्वीप कर रहे हैं, इस पॉइंट को राइट साइड में, इस पॉइंट ने स्वीप किया, इन दोनों के दरमियान लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। ठीक अच्छा है, ठीक उसको ठीक हमने मार्क करना है। मैं यहाँ थोड़ा सा एनोटेट कर देता हूँ, लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आएगा। मिडल पॉइंट, मिडल लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, एंड टॉप स्वीप, यानी जो जब दो टॉप स्वीप करते हैं तो उनके दरमियान जो भी मिडल लोएस्ट पॉइंट होगा, उसके नीचे अगर कैंडल बॉडी क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो ये हमारा होगा स्वीप बेस जो। अब इधर ही हम एक और चीज देख लेते हैं, ये मार्केट ने क्या किया है। स्वीप किया है, स्वीप करने के जी बाद इन दो पॉइंट्स के दरमियान कौन सा हाई है, हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला। अब सर। ये क्या हो गया, स्वीपेस चौक। तो मार्केट में देखें फिर क्या हुआ, मार्केट दोबारा डीपर पुल बैक लेने आई, उसके बाद कितनी प्यारी मूवमेंट दी है उसने। ठीक है, तो ये एक अच्छी मूवमेंट आपको मिल जाती है जब आप दो स्वीप पॉइंट देखें, उसके बाद किसी एक साइड की आपको कैंडल बॉडी क्लोज मिल जाए। कहीं और भी देख लेते हैं, सर इसमें ट्रेंड का कोई चक्कर नहीं होता सर? मोस्टली ट्रेंड का चक्कर नहीं होता, लेकिन मैं क्यों बताऊं, ये तो आपने फाइंड करना है। बस थोड़ा सा जूम तो कर लें, सॉरी, जूम जूम। जूम पे कर लें? नहीं सर, वो कह रहे अच्छा हैं कि थोड़ा सा जूम कर लें, क्या चार्ट को जूम कर लें सर। अब सही है सर, पहले थोड़ा सा। अब वो मैं बेसिकली डाटा देखने जा रहा हूँ पीछे, और पॉइंट देखने जा रहा हूँ। अच्छा, अब आपने ये भी देखना है जो मैंने अभी आपको शुरू में एक बात बताई है कि व्हेन कंप्लीट रिवर्सल, व्हेन नॉट, ये आपने क्वेश्चन फाइंड, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। नहीं मिलेगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा कब ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में आपको दे रहा हूँ, इंड्यूसमेंट वाला ब्लॉक दिया, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का दिया, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया आज, स्विंग हाई का पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई का पढ़ लिया, वीक स्विंग हाई का पढ़ लिया, स्विंग बेस चेंज ऑफ करेक्टर स्टडी कर लिया, आज हम स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारे ब्लॉक आपके पास 8 से 9 पॉइंट आ गए हैं। अब इनको जब हम कलेक्टिवली यूज करेंगे तो आपकी कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग हो जाएगी, फिर आपकी मजीद सेंस बनेगी कि किस पॉइंट पे मार्केट क्या इंडिकेशन दे रही है। ये छोटे छोटे ब्लॉक्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ठीक है, यस अभी मैं आपको यहाँ एक पॉइंट दिखाता हूँ जहां मार्केट स्वीप बेस चोक करने के बाद भी उसको इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दे रही। ठीक है, उसकी मैं फिर, लेकिन रीजन आपने फाइंड करनी है, बता मैं अभी आपको देता हूँ। ये देखें, ये मार्केट ने क्या किया है, स्वीप किया सर। स्वीप की है, स्वीप करने के बाद जो भी इसका मिडिल पॉइंट था उसके ऊपर मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग दे दी सर। स्वीप बेस चोक की है, यानी इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है डीपर पुल बैक लेने, लेकिन कि देखें क्या लिया है इसने, नहीं लिया। यस अब ये वो क्वेश्चन है, व्हेन कंप्लीट रिवर्सल, व्हेन नॉट, व्हेन वैलिड पुल बैक, व्हेन नॉट, ये आपने आंसर फाइंड करना है, ना मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझें कि जब मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप करे, ओपोजिट साइड पे क्लोज करे, तो मार्केट को चाहिए कि मोस्टली उसी साइड पे मूव करे, और मोस्टली करती भी है, मैं ये भी आपको बता दूं, मोस्टली करती भी है, जब जब फेल होती है उसकी रीजन आपने फाइंड करनी। ठीक है, जब फेल होती है वो भी आपने पैटर्न नोट कर लेने हैं, जब फेल नहीं होती अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है वो भी आपने पैटर्न नोट कर लेने। ये देखें, ये जी सर। तो खैर इतनी प्यारी स्वीप नहीं है, कोई और वैलिड लेवल देख लेते हैं।
ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपको डेली डेली 15 M30 H1 पे इसके बहुत प्यारे सेटअप मिल जाया करेंगे, जिसको आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मार्किन ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ये मार्किन ने इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, इसके ऊपर क्लोजिंग दी। कहाँ जाके? हाँ ये देखिए, यहां से यहां जाके क्लोजिंग आ गई इसके ऊपर, क्लोज हो गई मार्केट। जब क्लोज होगी तो इसका क्या मतलब है, मार्केट क्या मूव करना चाह रही है? ऊपर जाना चाह रही है सर। ऊपर जाना चाह रही है। अब देखें, ये वो दिन है जिस दिन कह रहे थे जंग लग गई है। अब देखें, हम जंग तो यहाँ लगी ना ये 9 अक्टूबर को जाके, लेकिन डिसाइड मार्केट ने पहले ही कर लिया था कि मार्केट ऊपर पुश लेना चाह रही है। ठीक है, तो कैंडलस्टिक्स आपको पहले बता देती हैं, यही कैंडलस्टिक की खूबसूरती है। चार्ट पैटर्न्स स्ट्रक्चर आपको पहले बोल बोल बताता है कि मार्केट क्या करने जा रही है। समझो समझो समझो, अब जो समझ आता है वो कामयाब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये बिल्कुल, हमने सिर्फ अभी स्वीप देखना है और मार्केट का रिएक्शन देखना है, बाकी अभी हम कुछ भी नहीं देखेंगे। ठीक है, स्वीप देखेंगे और मार्केट का रिएक्शन देखेंगे। अब ये देखते हैं ये मार्केट ने क्या किया, सारा स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद जो लोएस्ट पॉइंट है उनके नीचे कैंडल बॉडी क्लोजिंग दी है, वो तकरीबन ये बनते हैं इसके लोएस्ट पॉइंट। कैंडल बॉडी क्लोजिंग दिया इसने, क्लोजिंग के बाद मार्केट ने क्या किया है, मार्केट नीचे निकली है, वापस आई और फिर मार्केट का रिएक्शन देखें। इतना प्यारा ये कॉन्सेप्ट है, मैं तो इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। इसके अलावा आप कहीं भी देख लें इसको, फिर कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। कोई सा भी टाइम फ्रेम, कोई सा भी टाइम फ्रेम ये देखें। ये मार्केट ने क्या किया है, स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद ये लोएस्ट पॉइंट था इसका, नीचे क्लोजिंग आ गई है। ठीक है, स्वीप इज चोक, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, अब मार्केट का रिएक्शन देखें। उसके बाद कितना पुल बैक लिया है, तकरीबन कितने पिप्स का है, 1970 से 1890, 200 पिप्स का। ठीक है, अब कब ये लॉन्ग कैरी करता है कब नहीं, उसका आपने आंसर फाइंड करना है, मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। अब ये देखें, ये इतना रिएकरिंग पैटर्न है ना, मैं कहता हूँ दो तीन, आपके पास सिर्फ एक स्ट्रेटजी आपको चाहिए ट्रेड करने के लिए टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेड। ये मार्केट ने टॉप को, अच्छा अब ये लिक्विडिटी ग्रैब में आ जाता है। लिक्विडिटी ग्रैब आपने भी पढ़ा नहीं है, लिहाजा इसको मैं अभी ओमिट कर देता हूँ। ठीक है, इसको अभी हम छोड़, आप कोई और पॉइंट देख लें जहां मार्केट ने स्वीप किया है, और स्वीप के बाद ये देखें, ये मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद मार्केट ने नीचे क्लोज किया है। ठीक है, ये ऊपर स्वीप और नीचे क्लोज। अब मार्केट को क्या चाहिए था कि मार्केट इस वाले बॉक्स से, यानी जहां मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, यहां से रिजेक्ट होती लेकिन ऊपर निकल गई है, रीजन आपने फाइंड करनी है। इसका मैं जाते जाते आपको एक से दो पॉइंट बता दूंगा, जिन पॉइंट्स को आपने देखते हुए मतलब फाइंड आउट करना है। सर, इसमें एक सवाल है। यहाँ पे एक जो आपने अभी क्लोजिंग जो कैंडल है, यहाँ पे 3 कैंडल सर, यहाँ पे हो सकती है स्वीप बेस्ट शॉट? इधर किस पॉइंट पे कह रहे हैं, हेलो जी हेलो, सर, सर ये आवाज आ रही जो वो बड़ा सा वो एक कैंडल है, इसके साथ जो दो और कैंडल्स भी है। जी सर, यही यही है? हाँ जी, तो स्वीप हुआ ना, ऊपर स्वीप किया नीचे नो क्लोज सर, किया। इसके साथ जो दो और रेड है, इसने स्वीप किया हुआ है जो आप इससे ये लेफ्ट राइट साइड पे। साइड, राइट साइड पे देखें, आपको एनोटेट के लिए मार्कर नजर आ रही है, उसको जी जी पकड़े सर, जाल लगा दें। सर मैं इन कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। इन कैंडल्स नहीं देखें, अब इसमें कोई लो नहीं ना बन रहा, दोनों कोई है, इन दोनों के दरमियान वैलिड पुल बैक। चले मैंने आपको एक नो मतलब, सर, चले मैंने एक आपको हिंट दे दिया, लेकिन मैंने बताना लफज नहीं बोलना था, ये आप खुद रीजन फाइंड करें। ठीक है सर, ठीक है सर।
है चलें, अब हमको ये आप इसको रिमूव कर लें जरा, एक सेकंड। क्वेश्चन पे ड्रॉप कर रहा है सर, एच फोर देखें, गोल्ड देख लेते हैं, एच फोर को कोई इश्यू नहीं है। सर जी, कल वाले लेक्चर के बारे में भी एक क्वेश्चन था सर। जी जी करते हैं अभी, चलिए ये वन डे टाइम फ्रेम है, इसके बाद सॉरी ये वन आर है, वन डे पे चलें, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जहां भी आपको ये चीज नजर आएगी ना, ये आपको प्यारी इंडिकेशन देगा, ये देखें, ये देखें मार्केट ने क्या किया है। अब ये कुछ ब्रोकर पे यहाँ स्वीप है, कुछ ब्रोकर पे यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब है, लेकिन स्वीप और ग्रैब में क्या डिफरेंस है, कब हमें पता लगेगा कि मार्केट यहाँ स्वीप कर रही है या ग्रैब कर रही है। दोनों का पर्पस सेम होता है, यहाँ मार्केट ने स्वीप किया, उसके बाद जैसे ही नीचे क्लोजिंग दी, ये देखिए मार्केट नीचे, ये क्या बन गया, स्वीप है, स्वीप है स्टॉक। उसके बाद मार्केट का रिएक्शन देखें कि मार्केट कितने पिप्स गिरी है, यानी अगर आप यहाँ से भी सेल लेते हैं जो कि लेनी नहीं चाहिए, कब एंट्री लेनी है वो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ से भी अगर सेल लेते हैं ब्रेक होने के बाद, तो 1970 से 1802 कितनी पिप्स बनती हैं, तकरीबन 1800 के करीब पिप्स। किसी भी टाइम फ्रेम पे ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ा प्यारा नजर आएगा, एप्लीकेबल होता हुआ, कहीं और भी देख लेते हैं, ये देखें ये मार्केट ने इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट ने ओपन क्लोजिंग दी, और उसके बाद मार्केट का जाना देखें, ठीक है। अब ये भी देखें इस पॉइंट पे, ये मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मिडल लो के नीचे क्लोजिंग दी, और नीचे कितनी देखें मूवमेंट, तकरीबन 600-700 पिप्स की मूव है। किसी और पॉइंट पे देख लें, जहां भी देख लें, जितनी बार भी आप देखेंगे ये पैटर्न आपको बार बार रिअकरिंग होता हुआ नजर आएगा। ये मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ये इनका मिडिल हाई था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर मार्केट का रिएक्शन देखें, ठीक है। ये मार्केट ने स्वीप किया, यहाँ क्लोजिंग दी, रीटेस्ट किया, बाय। ये मार्केट ने स्वीप किया, मार्केट ने स्वीप किया, इसके ऊपर क्लोजिंग, रीटेस्ट, बाय, ठीक है। फिर बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा एक्यूरेसी है। हर टाइम फ्रेम पे इसकी एक्यूरेसी है, ये आपको बहुत ज्यादा नहीं तो 70% एक्यूरेसी देता है ये पैटर्न। साथ एक दो फिल्टर आपने खुद जब बैक टेस्ट करेंगे इसको आज के लेक्चर के बाद, कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता दूंगा, तो इंशाल्लाह आप इसकी एक्यूरेसी देखेंगे, आपको इजीली 70% 75% इजी एक्यूरेसी मिलेगी। बहुत प्यारी स्ट्रेटजी है ये, ठीक है, जिसको हम स्वी बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। किसी और पॉइंट पे देख लें, मतलब मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स हैं, मल्टीपल आपके सामने ये इनकी लेवल है जिनको आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी जो रेड बॉडी, अगर यहाँ नीचे नहीं क्लोज तो यहाँ जाके लो कंफर्म हो गया, ऊपर स्वीप, अगेन स्वीप, नीचे क्लोजिंग, उसके बाद देखें मार्केट रिटेस्ट करने आई है, और फिर मार्केट का जाना देखें, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे देख लें, जहां जहां आपको लगता है कि वो मतलब मार्केट ने स्वीप किया है, वहां वहां मार्केट का रिएक्शन देखें, सर ये इसमें मेथड इंड्यूसमेंट तो नहीं देखनी होती। अभी तक तो देखी नहीं हमने, मेरा ख्याल है स्वीबेस में इंड्यूसमेंट नहीं देखते, कब देखनी है कब नहीं देखनी ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अभी सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट में देख लें मार्केट क्या कर रही है। अगर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम उसी को देख रहे हैं, कोई दूसरी तीसरी चीज अलाइन नहीं कर रहे, देखें ये स्वीप है। कहने का मतलब ये है कि ये इसको अप्लाई जहां नजर आता है अप्लाई करते जाएं, उसका इफेक्ट देखें, स्वीप है, कैंडल बॉडी क्लोज है, मार्केट का गिरना देखें, ठीक है। किसी और पॉइंट पे देख लें, ये देखें स्वीप है, स्वीप के बाद मार्केट का नीचे कैंडल बॉडी क्लोज है। अब ये वो पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था, ये देखें। अब इस पॉइंट को समझें, सिंपल है, मार्केट ने टॉप को स्वीप किया, सॉरी ये स्वीप है और ये इसका चौक है, स्वीप इस चौक।
अच्छा, इसको आप किसी भी पॉइंट पे देख सकते हैं, यानी स्विंग के अंदर भी किसी पॉइंट पे देख सकते हैं, यहाँ कहीं भी, फिर मार्के नीचे जाती है, फिर अगर ये मिलता है तो फिर आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें आप देखें क्या हुआ है, मार्के ने पहले यहाँ टॉप पे लिफ्टी स्वीप की, नीचे कैंडल बॉडी क्लोज की। जब कैंडल बॉडी क्लोज नीचे होगी तो इसका क्या मतलब है, मार्केट वांट टू पुश डाउन साइड, मार्केट नीचे आई, फिर उसने लिफ्टी बिल्ड की, फिर स्वीप किया, फिर नीचे कैंडल बॉडी क्लोज दी, जिसका क्या मतलब है कि मार्केट मोर डाउन साइड पे जाना चाह रही है। ठीक है, पॉइंट यस समझ आया आपको? सर, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे इसको अप्लाई करें, स्टॉक्स में, फॉरेक्स में, टैरिफ पे, क्रिप्टो पे, किसी भी जगह पे अप्लाई करें, ये आपको बहुत अच्छा इसका आउटकम मिलेगा। लेकिन एक बार बैक टेस्ट लाजमी कर लेना है। बैक टेस्ट करने से क्या होता है, क्योंकि ये हर पेयर की एक खास नेचर होती है, ठीक है, तो आपने देखना है कि वो किस चीज़ को ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको फाइंड कर लेना है। जहाँ मर्जी देख लें, जहाँ जहाँ स्वीप होगा, उसके बाद जिस साइड पे मार्केट, अब ये वीकली पे जाके देख लें, हर टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। फिर ये जो भी पीछे आपने एक एग्जांपल दिखाई थी वो जरा दोबारा दिखाते हैं प्लीज। दिखाने का तो इशू नहीं होता, वो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, ये आ गई। अच्छा सर, ये इसमें हम कह रहे हैं कि जी ये ऊपर इसने स्वीप किया है, लेकिन अगर हम उसको गौर से देखें तो ये नीचे पहले स्वीप हुआ था ये। हाँ ये एग्जैक्टली, तो अब देख, इसका क्या कोई इफेक्ट है? इफेक्ट नहीं है, नीचे स्वीप हुआ यहां पे, ठीक जी है, नहीं या ऊपर क्लोज हुआ उसके बाद? हुआ सर, नहीं क्लोज ऊपर नहीं हुआ। अच्छा, नीचे भी स्वीप है, ऊपर भी स्वीप है, उसके बाद क्लोज की साइड पे पहले किया उसने? हाँ नीचे जी जी, तो हमने यही पढ़ा कि जब मार्केट किसी साइड की लिफ्टी स्वीप करे, जिस साइड पे पहले क्लोजिंग दे, हमने उस साइड की एंट्री फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक सही जी है। अब किन, फिर वही क्वेश्चन आ गया मेरे से, कब हमें पता लगेगा कि मार्केट सम टाइम बॉटम स्वीप करती है, ऊपर क्लोज करती है, फिर नीचे आ जाती है, सम टाइम मार्केट रिवर्स कर जाती है, वो कब कब करती है, वो कंडीशंस हम आगे स्टडी करेंगे। एक बार इस पैटर्न को फाइंड करना सीखें, इंतहाई आसान है फाइंड करना। आपके सामने देख लें, हमने 5 से 10 मिनट में कितने पैटर्न फाइंड कर लिए, और 1 से 2 सेटअप हमारे रिवर्स गए हैं, बाकी सारे देख लें मार आपके उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। पॉइंट समझ आया आपको? यस बाकी अभी एक क्वेश्चन किया था असनुल अकबाई ने, देखें मैं वो भी आपको बात बताता हूँ। जब मार्केट, ये देखें, मार्केट 2 पॉइंट के दरमियान स्वीप करती है, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, नजर आ रहा है ये वाली कैंडल्स? सर आगे देखें, दो जी कैंडल सर आपस में स्वीप कर रही हैं, स्वीप कर लिया, स्वीप करने के बाद उसने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लो के नीचे क्लोजिंग भी दे दी। ठीक है, अब ये जो स्वीप बेस्ड चौक है ना, इतना इफेक्टिव नहीं होगा, मे भी मार्केट रिएक्शन दे या ना दे, क्या रीजन है इसकी? इसकी रीजन ये है कि जो इसके दरमियान जो हाई बने हैं दो, ये सारी इनसाइड बार हैं, ठीक ठीक है सर। है, इसलिए जहां पॉइंट मार्केट कैंडल आपस में स्वीप कर रही हैं, वहां एक वैलिड पुल बैक होना जरूरी है, वरना ये क्या होगा, ये सारी की सारी एक ही कैंडल रहेगी, ये वाली, ठीक समझ है सर। है ना, ये सारी एक कैंडल होगी इस तरह। तो ये बिल्कुल आसान सा मोस्ट अकरिंग पैटर्न है, किसी भी टाइम फ्रेम पे देख लें। आप M15 पे कहते हैं, मैं आपको M15 पे दिखा देता हूँ, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे इसको देख लें। ये देखें, मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल, मार्केट ने क्या किया है, टॉप को स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद मार्केट ने किधर क्लोजिंग दी है, इसके नीचे सेल साइड पे, तो उसके बाद देखें क्या मार्केट को नीचे पुश नहीं किया इसने, मार्केट नीचे जी पुश लाइव ट्रेड है, नहीं लाइव ट्रेड है। किया, कहीं और भी आप देख लें, सॉरी, ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पे देख लें, बल्कि आप सबने कोशिश करनी है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बता दें, मैं फाइनली आपको असाइनमेंट असाइन कर दूं। सर ये यही चार्ट था, स्टिल करना जी सर, इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, मतलब कोई क्वेश्चन लाइक अगर इसको कोई कंफ्यूजन हो रही हो, MMS
वाले स्ट्रेटेजी से इसको रिलेटेड, एमएसएस, वो बाद में। एक बात याद रखें, एमएसएस स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं है, उसको हर बार स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर ना लेके आए। मतलब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आपने क्वेश्चन किया है, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो एमएसएस को स्ट्रक्चर मैपिंग का हिस्सा बनाते हैं। अगर आपने देखा हो हमने एमएसएस को कहाँ पढ़ा है, क्या स्ट्रक्चर मैपिंग की प्लेलिस्ट में पढ़ा है या प्राइस थ्योरी में पढ़ा है? अगर आपने प्राइम जी लेक्चर देखी है, प्राइस हाँ जी जी सर, जी, प्राइस प्राइस थ्योरी में, थ्योरी वहां उसको लेके जाने का एक पर्पस था। अगर मैं उसको स्ट्रक्चर मैपिंग में पढ़ाता तो सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं उसको प्राइस थ्योरी में इसलिए एडजस्ट किया कि वो एक एंट्री कंफर्मेशन टेक्निक है, उसका हमारे स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। सही जी। ठीक, इसमें इसमें जो एंट्री टेक्निक्स होंगी वो आप बाद में बताएंगे, अभी जस्ट हम इसको जनरली समझ लें बस। आप जब जनरली इसको अप्लाई करेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि इसमें एंट्री टेक्निक क्या बनती है। ठीक है पॉइंट सर, है मेरे, यानी आप खुद देखेंगे ये, जब आप ये पैटर्न फाइंड करेंगे ना, मिनिमम अगर आप 40 पैटर्न फाइंड करते हैं तो मैं बड़ा पूर्व उम्मीद हूँ कि आपके 30 से 35 पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट आपको बताएंगे, चलो जी मैम यहाँ से पाई जा रही, यहाँ से सेल जा रही। फेल जो होंगे उसकी रीजन पहले आपने फाइंड करने की कोशिश करनी है, ना मिली तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगा। राइट सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। सर फिलहाल तो नहीं समझ आ रहा कोई क्वेश्चन, लेकिन फिर ग्रुप में ड्रॉप कर देंगे अगर कोई ऐसा लगे तो। जी शाहिद भाई, आपको जमशेद भाई, रिगार्डिंग अल फरीक, अली फरहान, फहद, एमडी हसन, ऐसे किसी का जो क्वेश्चन है सर इसके रिलेटेड? अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये इतनी प्यारी स्ट्रेटजी है ना कि अगर आप डेली M15 पे कोई एक सेक्टर फाइंड करें, M5 पे करें, तो ये स्कैल्पिंग के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बड़ा अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन ये कमांड आती है बैक टेस्टिंग से, करके देखने से। वो चीज़ें मैं आपको गाइड तो कर दूंगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग इस कॉन्सेप्ट को समझें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट जिस साइड की लिक्विडिटी स्वीप करती है, यानी जहां सिर्फ कैंडल की विक बाहर निकलती है, उसको उसी टाइम फ्रेम के लिए, ये नहीं कैंडल बॉडी M15 पे बाहर है, ठीक है आप कहें जी मैं M5 पे भी जाकर देख लूँ, तो वो नहीं करना। जिस टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है उसी टाइम फ्रेम पे नीचे कैंडल बॉडी क्लोज कंफर्म करनी है। ये नहीं कि M15 स्वीप कर रहा है और आप M5 की क्लोजिंग पे यहाँ एंट्री फाइंड करेंगे तो वो गलत होगा। पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक जी बिल्कुल सर। सर है, अब इसके रिलेटेड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है वो कर लें। देखिए ये लास्ट लास्ट पॉइंट दोबारा बताइएगा प्लीज। मैं सर, ये, इसका बैक टेस्टिंग अगर देखा जाए तो ये कैंडल ने उसके लेफ्ट साइड में एक देखी, ये रेड बड़ी कैंडल ने नीचे क्लोजिंग की है। ओके, तो मार्केट लाइक इसके 50% तक आई है और फिर वहां पे डबल टॉप बना के वापस नीचे आ रही, ये एक्चुअली मीन्स मार्केट सर ये मैंने वापस। एक मार्किंग की, ये देख लें ये ठीक है। हाँ ये स्वीप है, स्वीप के बाद आप देखें तो नीचे भी स्वीप है इस पॉइंट पे, नहीं नीचे क्लोज है ये वाला। देखिए मार्केट ने 2 पॉइंट ने स्वीप किया, उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गई, फिर नीचे आई है, नीचे आकर उसने यहाँ क्लोजिंग दी है। सर जी, यानी कि जिधर स्वीप हो फिर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक साइड पे स्वीप है, दूसरी साइड पे अगर पहले मार्केट क्लोज करती है तो मार्केट को उस साइड पे जाना चाहिए। इस साइड पे भी स्वीप है, इस साइड पे भी स्वीप है, तो फिर हम वेट करेंगे मार्केट किस साइड पे पहले क्लोजिंग देती है। जी ठीक यानी हो अगर मैं गया। इसकी फाइंड करूँ या आप लोगों को बताऊँ कोई एग्जाम्पल ऐसी, तो यहाँ देखते हैं कोई M30 पे जाकर देख लेते हैं। सॉरी, ये कितना आगे तक डीप पुल बैक जाएगा इसके बाद? ये आपने फाइंड करना है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये चीजें आपने फाइंड करनी है, नहीं मिली तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं आपको अगर इस लेक्चर में सारी चीजें एज अ बॉटम लाइन बता दूंगा तो आप कभी भी बैक टेस्ट नहीं करेंगे, ये मुझसे आप लिखवा लें। सही आपने बात उन्हीं है, को आप रूल्स सही बना कह के रहे हैं। बैठ जाना, आपने कहना जी ये बात उन्होंने बता दी थी, मैं चाहे आपको गलत भी बता दूं तो फायदा नहीं होना। बैक टेस्ट करेंगे तो आप सही सीखेंगे। अभी जो क्वेश्चन है कि कितना मार्केट क्या स्वीप करती है, तो उसके बाद यानी समटाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि मार्केट दो साइड स्वीप कर रही होती है, तो फिर हमने सिंपल क्या करना है, जब मार्केट दोनों साइड स्वीप करती है तो जिस साइड पे मार्केट हमें पहले क्लोजिंग देती है हमने उस साइड को कंटिन्यू करना है। तो ऐसी कोई एग्जाम्पल आंखों के सामने आती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
चले स्वीप क्लोज। चले अभी एज सच कोई एग्जाम्पल आंखों के सामने आ नहीं रही, जैसे ही आती है हम इसको देख लेंगे। बाकी कोई आपका अगर फर्दर क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये जो पुल बैक होते हैं ना, इसको हमेशा हमेशा एक चीज याद रखें, जैसा टाइम फ्रेम होगा वैसी आउटपुट आएगी। M1 का स्वीप बेस स्ट्रक्चर कभी भी आपको M15 जितना पुल बैक नहीं दे सकता, ठीक है? सही और सर। डेली का टाइम फ्रेम आपको कभी मंथली का मंथली जितना पुल बैक नहीं दे सकता। यानी जिस तरह का टाइम फ्रेम है और जितनी लिक्विडिटी की मैग्नीट्यूड स्वीप हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट आपको रिएक्शन देगी, ठीक राइट सर। है? तो अभी कोई ऐसी एग्जांपल मिल नहीं रही जिसमें मार्केट दोनों साइड स्वीप कर रही हो, ये मेरा ख्याल है, ये मेरा ख्याल है एक एग्जांपल, लेकिन इसको देख लेते हैं। मार्केट ने लो स्वीप किया, लो करने के बाद अगेन हाई स्वीप किया, इसके बाद अगेन लो स्वीप किया, ठीक है? अब इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर क्लोज। अच्छा, यहां मैं आपको ऐड तो कर दूं, लेकिन चले मैं आपको तो बता देता हूं थोड़ा सा कि मार्केट ने तो ये ऊपर लो स्वीप तो नहीं क्लोज, किया, सॉरी लो स्वीप तो नहीं किया, लो सर लो पे तो कैंडल बॉडी। क्लोजिंग है। अच्छा नीचे ठीक है, मतलब एक दो पिप से है नीचे क्लोज, तकरीबन 101 से 2 पिप से है। ये लिक्विडिटी ग्रैब में आ जाता है कि जब मार्केट की सिर्फ एक बॉडी स्लाइड सी बाहर जाती है और दोबारा डिस्प्लेसमेंट से अगली कैंडल अंदर आती है, तो इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। ये कैंडल बॉडी क्लोज है, लेकिन यहाँ कैंडल बॉडी क्लोज होने के बावजूद मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर नीचे ड्रॉप हुई है। उसकी रीजन ये है, उसकी रीजन ये वाली है, ठीक है? यानी उससे पीछे भी मार्केट ने हमें इंडिकेशन दी है कि मार्केट लो साइड पे पुल करना चाह रही है। अब यहाँ देखें, यहाँ भी लिक्विडिटी स्वीप है। मेरा वैसे प्लान तो था कि मैं आपसे इसका आंसर निकलवाऊंगा, लेकिन चलें, मार्केट ने यहाँ भी लिक्विडिटी स्वीप किया है प्रीवियस इंटरनल हाई की, ये नीचे क्लोजिंग दी है। और आपने एक चीज देखें, जो हम एक बहुत प्यारी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जब ऐसे डबल सिनेरियो बने तो आप एक्सपेंशन को कंपेयर किया करें, किस साइड की एक्सपेंशन स्ट्रांग है। सेल साइड की ये देखे ना, ये बिल्कुल शार्प डिस्प्लेसमेंट है और ये इतना शार्प डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ये स्वीप बेस था ऊपर नीचे क्लोज, तो मार्केट ने क्या किया, इसके फेयर वैल्यू गैप में टैप किया है, जो पहले से उसने ऑर्डर सेटिंग की है उनको एग्जीक्यूट किया है, और उसके बाद मार्केट का रिएक्शन देख, ठीक है? लेकिन जी। ये आपको चीजें यूज करना आ जाएंगी। इसकी मैं अगर एक और आपको बात बताऊं, वैसे तो चले नेक्स्ट लेक्चर पे रख लेते हैं, इसका मैं टिप दे देता हूँ आपको। जहां आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर फेल होगा ना स्वीप बेस, वहां आपने अपना हाई टाइम फ्रेम यूज करके देखना है कि क्या रीजन थी उसकी, ठीक ठीक है सर। है? ठीक ये सबके लिए एक टिप है, आपने देखना है कि जहां शॉर्ट टर्म पुल बैक आएगा उसकी क्या रीजन है, जहां स्वीप करने के बावजूद मार्केट नहीं उस साइड को रिस्पेक्ट दे रही उसकी क्या रीजन है, ठीक है? हिंट मैंने आपको दे दिया हाई टाइम फ्रेम, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोसीड करना है। तो बताएं, अगर ये कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर में तो बता दें, बात इंटरेस्टिंग लगी है, समझ आई है कि नहीं आई? आपने पहले नहीं स्वीप सर, में कोई सवाल चेंज नहीं देखा, सर। इंटरेस्टिंग तो बहुत ज्यादा था सर आज, बहुत अच्छा लगे सर। आपने पहले पढ़ा तो होगा स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर लेक्चर में, लेकिन इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या इसकी सेंस बनती है, क्या रीजन है, वो शायद आपको पहले इतनी क्लियर ना हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर के बाद और इसके अगले लेक्चर के बाद ये चीज आपको और ज्यादा प्यारी और ज्यादा अच्छी लगनी शुरू हो जाए। तो इंशाल्लाह सर। जी सर, जरूर इंशाल्लाह। कोई है क्वेश्चन तो बता दें। सर को मैं एक पिक्चर भेजूंगा सर, उस पर काइंडली रिव्यू दे जी जी दीजिए। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। लास्ट लेक्चर के रिलेटेड कोई ऐसे किसी का क्वेश्चन है बता दें। लास्ट लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन कह रहा था जी। अल फरूकी, आपको समझ आई है कोई बात शायद? जी सर, कल यस सर। वाले म्यूट था सर वो माइक। अच्छा,
अंडरस्टैंड, पूरा अंडरस्टैंडिंग। ओके दैट्स गुड दैट्स गुड। हाजी शायद भाई आपको तकरीबन जिसको नहीं समझ आई वो हैंड रेज कर दे ताकि उससे मैं क्वेश्चन करके इसको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेकंड लेक्चर में हमने ये पॉइंट पढ़ लिया था कि मार्केट अगर किसी साइड की निफ्टी स्वीप करती है और ओपोजिट साइड पे क्लोजिंग देती है तो मार्केट मोस्टली उसी साइड को फॉलो करती है। मोस्टली का मतलब होता है 60 to 70%। फॉरेक्स मार्केट में 60% इज द ह्यूज एक्यूरेसी। अगर आप किसी को ये बता देना कि मैं मनी मैनेजमेंट के साथ मेरी एक्यूरेसी 30% है तो वो आपके हाथों के बोझ से रहना शुरू कर दे कि वाओ 30%, यानी इतनी बड़ी एक्यूरेसी समझ जाती है 30%। रीजन मनी मैनेजमेंट, जब आपको रिस्क मैनेज करना आ गया तो मैं आपको इस चीज की श्योरिटी दिला रहा हूँ कि ये आपको 60 to 70% एक्यूरेसी देगा जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे और इसको अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बताऊं। ठीक है, अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको कम्युनिकेट किया, इसको आपने फाइंड करना है। जी हसनुल हक साहब क्वेश्चन करें। सर एक बेसिक सा सवाल है, ये ट्रेडिंग में हमारे लाइन बड़े टेढ़े आते हैं, आपके बड़े अच्छे आ जाते हैं स्ट्रेट, हमारे आधे से ज्यादा टाइम लाइन सीधे करने में लग जाता है। देखें सिंपल है, चले मैं ये आपको टिप देता हूँ, टिप नहीं है खैर, ये देखें ये ब्लैंक चार्ट है, बल्कि मैं थोड़ा ब्लैंक चार्ट नहीं लेता, थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसको कैंडलों के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये देखें ये नजर आ रही है साफ कैंडलें। जी जी सर, सपोज करें ये नीचे देखें, मेरे सारे टूल गैजेट्स नीचे पड़े हैं, मैं एक लाइन लेता हूँ ये वाली। अब अगर मैं कोई कीबोर्ड का बटन प्रेस नहीं कर रहा, अभी सिंपल मैंने यहां से क्लिक किया, अब मैं इसको सीधा लगाऊंगा ना काफी टाइम लगेगा, देखें। ठीक है, आपकी तरफ से मैंने सीधी लगा दिया लेकिन सीधी नहीं लगी। सीधी लगाने के लिए क्या तरीका है, ट्रेंड लाइन पकड़ें, पहला क्लिक करें, पहला क्लिक करने के बाद कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन प्रेस करें। देखिए मैं सिर्फ शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा, ये देख रहे हैं इफेक्ट इसका, जी जी बिल्कुल सर, ये जिस एंगल पे होगी उसी एंगल पे इसको सीधा कर देगी। सीधा लगाना है, थोड़ा सा एरो राइट साइड पे करके शिफ्ट का बटन छोड़े बगैर इसको ड्रैग करें और उसके बाद छोड़ दें, तो ये सीधी लग जाएगी। समझ गया सर, थैंक यू सर। दूसरा पॉइंट, समटाइम हम दो विक्स को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं कि वो बराबर है या नहीं, जैसे ये दो वाली। ठीक है, तो आप अपने से लाइन लगाते हो, वी के ऊपर या नीचे चली जाती है, उसके लिए आपने क्या करना है, लाइन को लेफ्ट साइड से पकड़ना है, लेफ्ट साइड से, फिर कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक आपको विक के बॉटम पे ऊपर ड्रैग करेगा। ये देखें, देख रहे हैं, जी जी बिल्कुल सर, जब उसकी बॉटम पे लग जाए फिर राइट साइड से पकड़ें। अब क्या करना है, अब शिफ्ट प्रेस कर दें, अब शिफ्ट प्रेस करके देख लें क्या इसने प्रीवियस लो को स्वीप किया है या इसके ऊपर है। आप ये देखें नजर आई, जी सर स्वीप ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट स्ट्रेट लाइन के लिए और CTRL जिसे हम कंट्रोल कहते हैं, टैब कैंडल विक हाई एंड लो। ठीक है, ये दो बटन यूज होते हैं तो इनको आप यूज करें। जी कोई और क्वेश्चन? सर, वो कल वाले लेक्चर के हवाले से था हाँ जी हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ जिसका है क्वेश्चन कर लें। सर जी, वो वीक स्विंग लो के बारे में था, वीक स्विंग हाई, यानी कि सर अगर वो स्विंग जो हमने पीछे वाला है वो लिक्विडिटी ले रहा है लेकिन जो हाई हमारा है उस पर कैंडल क्लोज है तो फिर भी वो वीक शुमार होगा कि नहीं सर? नहीं कैसे, मतलब जब कैंडल क्लोज होगी फिर स्वीप कैसे हो गया? यानी कि सर, अब सर मैं चार्ट स्क्रीन शेयर शेयर करें, कर अपना रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करें, ये आपके पास राइट्स आ गया, मैंने आपको अलाउ कर दिया है, स्क्रीन शेयर करें अपनी। सर शेयर होगी सर? जी सर हमने इसमें ये वन डे का सराज किया था। जी जी सर स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी जी नजर आ सर रही है। ऐसे सर ये यानी कि इस ये वाली सर ये हमारा लोअर हाई है
इस अच्छा हिसाब से पहले आप ये देखें, अभी। मुझे भी आप पहले आपका क्वेश्चन सुनने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप किस ट्रेंड की मैपिंग कर रहे हैं? बेरिश ट्रेंड की बेरिश ट्रेंड में ऊपर स्वीप देखना होता है वीक स्विंग हाई के लिए या नीचे देखना होता है? बेरिश ट्रेंड में सर नीचे। तो फिर आप ऊपर देख रहे हैं मेरा ख्याल है, जी सर और लाइनें भी मेरा ख्याल आपकी सीधी हैं, काफी हद तक सीधी हैं, कुछ कुछ हैं टेढ़ी लेकिन लाइनें ठीक। जी सर वो अब इंशाल्लाह सही हो जाएंगे सर। नहीं नहीं कोई इश्यू नहीं है। चलें बाकी दूसरा क्वेश्चन आप बता रहे थे कि कैंडल बॉडी अगर क्लोज होती है वो दिखाएं। सर इधर इसका सर जैसे ये हमारा एक हायर हाई है सर, जी तो सर ये यानी कि ये हायर हाई है पर लेकिन सर ये पीछे से तो नहीं हो रहा सर। समझ आ गई सर मुझे, ठीक हो गया सर मैं समझ गया सर। यानी कि हमने अगर हम बुलिश मार्किंग कर रहे हैं तो हमने सर फिर हायर हाई से देखना है, और अगर हम हाँ जी बेरिश ठीक मार्किंग कर रहे हैं तो फिर हमने लोअर लो से देखना है। जी बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। तो सर वैसे अगर ये हायर हाई है सर, अगर इस यानी कि ये पीछे अगर कोई होता सर इस जगह पे, इस हायर हाई के पीछे अगर कोई स्वीप होता तो सर ये अगर आगे इस हायर हाई की कैंडल क्लोजिंग पर जाके सर वो लिक्विडिटी ग्रैब करता तो फिर ये हमारा सर वो ये स्ट्रॉन्ग ही रहेगा सर। आपने मुझे ये सिनेरियो फाइंड करके ना ग्रुप में शेयर करना है, मुझे आपका अच्छा क्वेश्चन ठीक समझ आ गया लेकिन आपने फाइंड करके शेयर करना है, ठीक है? ठीक जी सर, ठीक हो गया सर। है चलें किसी और का कोई क्वेश्चन। सर आई वॉन्ट टू शेयर माई चार्ट। जी कौन सा चार्ट, कोई प्रीवियस क्वेश्चन या कुछ और? चलें प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करें शेयर। सर क्लोज कर दिया। सर हैव यू सीन माई चार्ट? Yes, I can see. Okay, sir. This lower high, is it correct or not? This is my question. If it is correct, then this is the first time sweep the liquidity, and after that it's oh. एक सेकंड होल्ड करें। ये Okay, sir. देखें आपने ये लो हाई मार्क किया है, Yes, sir. मार्केट ने ये लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने ये लो बनाया, इसके बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली, ये लो बनाया। अब मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली है पहली, ये आपकी फर्स्ट इंड्यूसमेंट है, मार्केट ऊपर गई है नीचे नहीं आई वापस, जब तक ये लोअर लो ब्रेक नहीं होगा यहाँ तो लोअर हाई बन ही नहीं सकता। ओ ये लोअर सॉरी लो जिस पॉइंट पे ब्रेक होगा, इस चार्ट को अगर जूम करें राइट साइड पे, राइट साइड पे जूम करें, सर हेलो। हेलो जी, इसको राइट साइड पे करें, जैसे जहां थोड़ा सा पहले था ना उधर ही करें, थोड़ा सा राइट साइड पे मूव करें, थोड़ा सा इसको, सर थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और इसको स्क्वीज कर दें, थोड़ा स्क्वीज कर दें, या इसको चार ये वाचली स्टोव कर दें ना राइट साइड से, टॉप से वाचली स्टोव कर दें, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है अब इसको थोड़ा सा स्क्वीज करें, मीडियम में लेके आए सारा डाटा, बस ठीक है, एनफ एनफ एनफ। अब देखें मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली है इस पॉइंट पे, देख रहे हैं यस इस इंड्यूसमेंट के बाद आपने ये लोअर हाई मार्क कर दिया। लोअर हाई तब मार्क करते हैं कि जब मार्केट दोबारा ऊपर जाके नीचे आए और लोअर हाई के नीचे ब्रेक करे, तो यहाँ ब्रेक हुआ। अंडरस्टैंड सर इसके बाद द जिन लोअर दो हाई पॉइंट्स शिफ्ट के विल बी दरमियान हियर में, तो नहीं ये नहीं होगा लोअर हाई, ये नहीं होगा, ये वाला पॉइंट आपका लोअर हाई, ये जो सबसे टॉप होता है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, जो भी आपका टॉप होगा पूरी इस स्विंग में, पूरे इस एरिया में जो भी आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा,
वो आपका लोअर हाई होगा, ठीक है। ओके सर, अंडरस्टैंड। एंड जी दिस हायर हाई एंड दिस हायर लो, इज इट राइट और रॉन्ग? जूम करें राइट साइड पे करके, हाँ इतना पोर्शन जूम करें। ओके सर, और जूम करें, और करें करें करें, कोई बात नहीं, करें थोड़ा और करें। हाँ जी, इसको अब ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें जरा, प्राइस वाले सर्कल से पकड़ के करें, और करें इसको, और सेंटर में लेके आए और स्ट्रेच करें, बस ठीक है। अब हम देखते हैं ये मार्केट, ये हाईएस्ट कैंडल, ये इसका लो ब्रेक। अच्छा मैं व्हाट्सएप देखता हूँ, एक सेकंड वेट करें। यहाँ अगर हम इस इंड्यूसमेंट को देखें, तो अगर तो ये वैलिड इंड्यूसमेंट है, ठीक है, मार्केट ने नीचे इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऊपर जाकर क्लोज किया, तो फिर ये जो आपका स्विंग हाई है ये वैलिड होगा, ठीक है। अगर ये इंड्यूसमेंट वैलिड है, बाहर मुझे लग रही है आपकी वीक ने ये लो ब्रेक कर दी है, यस सर, ठीक है, जी तो सर, फिर ये वैलिड आपकी इंड्यूसमेंट है, वो वैलिड इंड्यूसमेंट है, तो उसके बाद ये आपका वैलिड स्विंग हाई और ये वैलिड स्विंग लो है, और यहाँ मार्केट ने इसके नीचे स्वीबेस चोक कर दिया है, स्वीबेस चोक करने के बाद अगेन इंड्यूसमेंट और स्विंग लो अगर बंद रहे, तो ये हमारा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर, आई हैव अंडरस्टैंड, देयर इज लिटिल मिस्टेक, आई विल ट्राई टू करेक्ट इट। ओके जी जी ओके सर, थैंक यू सर। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी सर, मैं अगर आप अलाउ करें तो शेयर कर लूं। जी आपका चार्ट मेरे पास आया है, आपने इसमें 1 1 2 2 की है जी, जरा जरा जल्दी शेयर करें, किसने करना है? चलिए, मैंने किया जमशेद फहद जी। जी करें। हो गया नहीं डियर, अभी नहीं है। जी अब आ गए जी, बोले। सर, ये पहला, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, ये मेरा हायर हाई था, इसकी बैक साइड पे थोड़ा सा डिस्टेंस पे ये वीक है, तो ये आपने गलत हमारा मतलब मार्किंग गलत स्टार्ट किया आपने, ये अच्छा देखिए ना मार्केट पीछे लेफ्ट साइड से जितना डाटा है वो आपने काउंट नहीं किया। मार्केट को मैप करना शुरू किया करें किसी ऐसी पॉइंट से कि जहां कोई एम्ब्यूटी ना हो, यानी अगर मैं बात करूं तो ये तो मार्केट यहां से ऐसे आ रही है, जहां तक चीज क्लियर नहीं हो जाती उसके आगे इसको मार करना शुरू करें। इसलिए मैं कहता हूं पहले चार्ट को जूम किया करें, कंप्लीट देखा करें कहां से हमें एक स्विंग मिल सकती है, नहीं समझ आती तो बिल्कुल शुरू से शुरू कर लिया करें। खैर लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करें, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये समझूं कि ये इसके पीछे डाटा नहीं है, मार्केट यहाँ तो से इसके बुलिश जा रही पीछे जी, इसके पीछे बेसिकली यहाँ से वो बुलिश हुई है, उससे पीछे जो थी वो नहीं बेरिश आ रही हुई थी। सर, जब बुलिश हुई है तो बुलिश क्या वो बुलिश बनती है, उसने हायर हाई लगाना होता है। मार्केट जब रिवर्स होती है, पहले कोई चेंज ऑफ करेक्टर की इंडिकेशन मिलती है, फिर मार्केट एक इंड्यूसमेंट बनाती है कुछ ऐसे, फिर मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती है। तो जब ऐसा करना हो आपने, तो पहले प्रीवियस डेटा थोड़ा सा मार करके लेके आए, उसका चेंज ऑफ करेक्टर फाइंड करें, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद उसकी इंड्यूसमेंट फाइंड करें, इंड्यूसमेंट के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फाइंड करें, उसके बाद आगे देखें मार्केट क्या करे। सही जी। सर ये सवाल मेरा भी था, मतलब यहाँ तो आप ठीक कह रहे हैं कि वो एम्बिग्यूटी थी, वैसे अगर बुलिश ट्रेंड में इस तरह के कोई डिस्टेंस पे हो स्वीप, तो वो वीक में काउंट होगा? एक नॉर्मल ट्रेंड में वो जा रहा हो लेकिन डिस्टेंस पे वो स्वीप कर रहा हो, बड़ा बोले जरा। सर मैं कह रहा हूँ जिस तरह फात भाई ने यहाँ पे मेंशन किया है
तो ये तो आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे एम्बिगुइटी नहीं थी। लेकिन अगर इस तरह नॉर्मल ट्रेंड हो, कुछ बुलिश ट्रेंड हो, और इस तरह में सर, अगर मैं कोई बोल रहा हूँ हायर, इसी चीज का, मैं कह रहा हूँ कि सपोज करें मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई है, इसके ऊपर से नहीं आई, सपोज कर रहे कुछ ऐसे है, जी जी सर, मार्केट इस साइड से आ रही है, तो फिर ये हमारा वीक हायर हाई हो, ठीक है सर, ठीक ठीक है? यानी अगर मार्केट ऊपर से नीचे नहीं आई, है सर, क्योंकि जब हम बैक टेस्ट करते हैं ना सम टाइम, तो हम पिछले डाटा को इतना नोटिस नहीं कर रहे होते। बैक टेस्ट में हम सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट रिफाइन करते हैं। अगर आपने कंप्लीट इसको मैप करना है, तो मैं इसलिए कहता हूँ फिर या तो बिल्कुल शुरू से करें 1987 से, या 1983 से, मिडिल से करें तो मिडिल में कोशिश किया करें वहां से डाटा मार्क करना स्टार्ट करें, जहाँ कोई खास एम्बिग्यूटी नहीं है, यानी जहाँ आपको कोई डाउट नहीं है, यानी इस पॉइंट से कर लें, इस पॉइंट से आगे कर लें, इस पॉइंट से आगे कर लें। पॉइंट समझ आया मेरा आपको? ठीक जी जी सर, है, जी सर, बाकी आपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा अप्लाई किया है, ये माशाल्लाह आपने अच्छा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये वीक हाई है, अगर हम ये प्रीवियस हाई कंसिडर करें, ठीक है ना? बाकी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक अप्लाई किया। सही जी। अच्छा सर, ये एक और है, दो तीन क्वेश्चन है सर, क्विकली मैं जरा कर लेता हूँ जी। जी सर यहाँ पे हमारे सारे रूल्स पूरे हो रहे हैं, ये पीछे से इस छोटा सा इतना ये लीक स्वीप भी किया है, जिसकी वजह से ये वीक हो गया हमारा, और नीचे इंड्यूसमेंट के नीचे भी बॉडी क्लोज है, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर ने जो है वो काफ़ी आगे जाके बॉडी क्लोज की है, लेकिन जी जो आप हमने कहा था कि जी यहाँ से जब दोबारा एक वो लेग बनाएगा तो उसमें इंड्यूसमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, तो तो पहले उसको क्लोज ये तो करने देना, जब तक क्लोज नहीं होगी हम पहले उसमें वैलिड पुल बैक ढूंढना शुरू कर देंगे। क्लोजिंग के जब क्लोजिंग दे दे फर्स्ट टाइम मार्केट, तो उस फर्स्ट क्लोजिंग पे देखें कि मार्केट ने दरमियान में पुल बैक छोड़ा है कि नहीं, यानी यहाँ कोई कैंडल बॉडी क्लोज होती तो फिर मैं इसमें फाइंड करता कि इसमें वैलिड पुल बैक लेके आई है या स्ट्रेट आ गई है, ठीक है ना? सही। अब आप देखें मुझे जहां क्लोज, इस डेटा को जरा कंडेंस करें और मुझे दिखाएं राइट साइड पे इसने क्या किया। अब देखें क्या मार्केट जब जहां भी क्लोज हुई है ऊपर जाके, क्या उसके दरमियान में कुल पुल बैक नहीं है इंड्यूसमेंट के बाद? उसने मेरा ख्याल है कोई 7100 पुल बैक है उसने, जी मेरा पॉइंट समझे आप? जी यानी मैं जब समझ कैंडल गया। बॉडी यहाँ क्लोज हुई है यहाँ जाके, अब आपने देखना है कि इंड्यूसमेंट लेने के बाद और इस क्लोजिंग के दरमियान में कोई वैलिड पुल बैक है, या मार्केट लो फाइनल लगा के उसके बाद स्ट्रेट ऊपर गई है। तो इसको अगर आप प्राइस पकड़ के नीचे स्क्वीज करें ना, और नीचे को, तो आपको एक और चीज मैं बताऊं। हाँ ये देखें, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, ये इसने लास्ट लो लगाया यहाँ क्लोजिंग से पहले। अब इस लो से यहां तक आपने देखना है कि इसके दरमियान कोई वैलिड पुल बैक है या नहीं है, लोएस्ट पॉइंट से फर्स्ट क्लोजिंग तक, या जो जहां भी आपकी फाइनल क्लोजिंग आती है यहां तक। अगर यहां पे है, मैं इसको जरा अगर क्लियर करूं एक सेकेंड। हाँ जी ये देखें, यहां पहली क्लोजिंग हुई, फिर मार्केट अभी ऊपर जाती जा रही है, ठीक है? तो आपने जब तक मार्केट ऊपर जा रही है और दोबारा नीचे आती है, फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर गई यहाँ तक नीचे आई, ठीक है? अब ये दरमियान में ये एक इंड्यूसमेंट लेवल पड़ा है ये वाला। अगर मार्केट स्ट्रेट ऊपर जाती है ऐसे और सीधी नीचे ना गिरना शुरू हो जाती, और इसके दरमियान में यहाँ कोई पुल बैक ना होता, तो फिर ये वाला जो लो था ये आपका इंड्यूसमेंट लेवल बन जाता। सही जी। अच्छा सर सॉरी, मेरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे से, ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे कर दिया वो इस पॉइंट का था बेसिकली, वो ये इस पॉइंट पे मैंने डिस्कस करना था, इस पॉइंट पे मैंने ये डिस्कस करना था कि जी ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद या तो मैं इसको पहले, मैंने इनिशियली ना इसको लिक्विडिटी मार्क कर दिया था कि इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है, लेकिन बहुत मतलब ये अगर देखें तो ये तकरीबन कोई साल 1.5 साल बाद जाके इसने कहीं यहाँ पे बॉडी क्लोज की है, तो ये इसी तरह मार्क करेंगे इस पॉइंट पे, मेरा इसको ये इस पॉइंट तरह था ही जी। मार करेंगे, लेकिन इसके दरमियान और क्या कुछ होता है, जब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? सही जी। वो सॉरी, वो वाला मैंने ना यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करना था, वो यहाँ पे था, ये जो मैंने ऑरेंज से मार्किंग की है या येलो से मार्किंग की है, इसमें आई बिलीव वो वाला इशू है कि ये मार्केट ने हायर हाई बनाया, इसकी इंड्यूसमेंट यहाँ से ली और आप उसके देखें बाद मार्केट इस लो से इस हाई तक ऊपर गई है, फिर सीधी नीचे गिरना शुरू हो गई। अब जब इस लो से ऊपर तक इसके दरमियान में कोई पुल बैक है,
नहीं सर जी, सही तो इसका क्या मतलब है, ये हायर लो नहीं है, ये हमारा एज सर। इंड्यूसमेंट एड करेगा। और देखिए उसके बाद मार्केट ने वही किया, इंड्यूसमेंट ही ऊपर निकल गई। ठीक सही है, तो जी यार, ये तो रहने असाइनमेंट लगे में वैसे बाकी चेंज बंद कर सकते हैं। चलिए क्या कोई बोल रहा है, कोई क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। चलें किसी का कोई क्वेश्चन अभी नहीं है तो फिर बाद में करेंगे। ये जो असाइनमेंट है आपकी, वीक स्विंग हाई वीक स्विंग लो, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम टेस्ट करूंगा। अभी जो स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर है इस पे आप वर्क करें, ये लेक्चर 1 से 2 घंटे का अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज्यादा नहीं तो एक आधा पॉइंट नई लर्निंग आपकी ऐड हुई होगी, और इसको इंशाल्लाह मजीद लेके चलेंगे। ये जो आज फाइनल आपको एक ब्लॉक दिया गया है स्वीप बेस चोक का, इसके बाद मैंने आपकी सिर्फ ज्यादा नहीं तो 2 से 3 हफ्ते हर 2 दिन बाद आपको हर नए पेड़ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करवा के चेक करनी है। आपके कॉन्सेप्ट जब तक आपको, जिसे कहते हैं ना कि हजम ना हो जाए, आप आंखें खोलें सामने चार्ट को देखें तो स्ट्रक्चर मैप हो जाए, वो कंडीशन आप में होनी चाहिए। ठीक है, आपको यस लाइन सर, लगाने की जरूरत ना पड़नी पड़े। ठीक है, थैंक यू सर। इंशाल्लाह बस आप लोग माशाल्लाह अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो ये है कि जो भी आप एक दूसरे को सपोर्ट किया करें ग्रुप में, जब चार्ट शेयर करें उस पर पॉजिटिव फीडबैक दिया करें। हो सकता है अगला बंदा गलत कर रहा है, उसको कहेंगे जी बहुत बेहतर है, ये मिस्टेक है। जब उसे कहेंगे ना ये तो गलत है, तो वो आगे से कहेगा यार छोड़ो। जब आप उसे ये कहेंगे ना ये सही है, ये सही है, ये बेहतर करें, तो वो एफर्ट करेगा। ठीक है, इस राइट, पॉजिटिव चीज को लेकर चलें, तो इंशाल्लाह टीम वर्क है आप लोगों का, आप अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी आप लोगों ने अच्छी मैपिंग की है, असम लाख और बाकी जिनका मैंने चार्ट देखा है, स्वीप बेस चेंज ऑफ क्रेडिट की बेसिक स्टडी की है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक थैंक यू यू, सर, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।